बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मोदी सरकार है ना, वो अपने जंगी जुनून में मुबतला है, और वो जंगी जुनून उन्होंने इसलिए ये हमारे पे बरपा किया हुआ है कि वो उनके इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के वाले से वो उनको अपनी साख हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन में मैं को अपनी थोड़ी सी हो सकता है, इस तरह पाकिस्तान के साथ ये जंगी जुनून बना के तो अपनी साख वापस ले लूँगा। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये किस कौम को ललकार रहे हैं। देखें, मोदी साहब को इसी का इलम नहीं है, उनके होश के नाखन लेने चाहिए, उनको इस बात का इलम नहीं कि ये कलमा पढ़ने वाले ये लोग हमारे, ये मुसलमान हमारे, ये अल्लाह अकबर करेंगे तो तुम्हारे टैंक तबाह होते जाएंगे, तुम्हारे हज़ार हज़ार बंदा और हमारा एक एक बंदा तुम्हारे बराबर होगा, उनको इसी की समझ नहीं है। और वैसे मोदी साहब को मैं ये पैगाम दे दूँ, अगर हमारे बड़ों ने हमारी चोरें दिली कर दें ना मोदी, इतना याद रखना, आठ पैर में तुम्हारी सारी दीवारें फलांग जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम किसी भूल में ना रहना मोदी, ये तुम्हारी भूल है कि तुम चाहते हो कि मैं इधर इस पे हमला करके तो वापस इस तरह चला जाऊंगा, ये तुम्हारी भूल है। इस गैरतमंद कौम को मोदी कभी नहीं ललकारना, वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि वहाँ पे भी हमारे उधर मुसलमान हैं, वहाँ पे भी वो भी इंसान है। एक इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। हम लोग एक इंसानियत का ख्याल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कितने मज़हब के लोग हैं, हम उन सबक लीतों का एहतराम करते हैं, और वो है एक इंडिया के, वो इनके हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों के जो इधर उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उनको ये भूल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लेकर आए हैं आपका अपना मीडिया अलर्ट न्यूज, जिससे आप रहेंगे हर खबर से बाखबर, सिर्फ मीडिया अलर्ट न्यूज पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे खबरों की दुनिया में।